अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ये माइक बेचना है? माइक तो नहीं लेते, हमारे मोबाइल की दुकान है, मोबाइल है तो दिखाएं। माइक नहीं लेते हम? ये जरा पकड़े एक मिनट, ये अब ले तो लिया आपने। ये आपका हुआ, मोबाइल है, मोबाइल दिखाएं। सुपारी खाएं, सुपारी खाएं आप? नहीं भाई, नहीं, आप बड़ी चाहत से मैंने नहीं पकड़े तो सही, मैंने बड़ी चाहत से नीचे से उठाई है। फेंक दे भाई, मोबाइल लेते हैं आप? जी जी लेते हैं। ये मोबाइल बेचना है भाई। कितने का बेचना जी? कितने का बेचना? नया कितने का? ये तकरीबन 2.85-3 के। हाँ, 4 का ले लो। 2.85-3 का तो डब्बा पैक है ये। तो ये डब्बा पैक तो नहीं है ना, तो ये महंगा है? 4 का नहीं होना चाहिए। डब्बा पैक का मतलब क्या? डब्बा पैक लो, घर आके मोबाइल ही ना निकले अंदर से फिर। ये तो पक्का बताना है कि मोबाइल है? नहीं, दुकान पे तो खोल के चेक कराते हैं भाई। आपका भाई है बड़ा? इधर बड़ा भाई है, बुलाएं उनको जरा। बड़े भैया, भाई ये माइक बेचना है। माइक का वैसे हम क्या करें? माइक हमारे किसी काम का नहीं है। माइक का आप काम नहीं करते? माइक का काम नहीं है ना, मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर माइक होता है? होता है। तो उसका काम क्यों कर रहे हो आप? वो तो मोबाइल के अंदर ही लगा हुआ है ना। तो भाई ये वो उसका क्यों काम करते हो? निकालो उसको, ये सारा खोलो मोबाइल, माइक बाहर फेंको निकाल के। अगर माइक निकाल देंगे लोग बात करेंगे, उनको आवाज आएगी। तो भाई इसमें भी आवाज आएगी, आप बोलो हेलो करो इसमें। हेलो, हाँ जी, मुझे आ रही है आवाज। आपको आ रही है ना आवाज, अगले बंदे को कैसे जाएगी? अगले बंदे के पास जाके करो ऐसे हेलो हेलो, उसको भी आएगी। यानी कि अभी किसी से बात करनी है तो फिर माइक लेके जाने की क्या जरूरत? माइक लेके जाओ उसके पास, उसके घर जाके माइक ऐसे उसके नाक पे रख के करो हेलो हेलो। ये आपको कैसे समझाएं भाई? ये आप ये ले दे, मैं खोल देता हूँ आपको। ये नया कितने का है? ये 2.5 लाख रुपए का। हाँ, तो आप 4 में ले लें, जाएं पहुँच करें। 2.5 लाख का तो वैसे ही ये डब्बा पैक है। तो डब्बे में अगर ना निकले तो फिर क्यों नहीं निकले? निकलेगा, डब्बा खाली निकल आए। नहीं निकलेगा, खाली क्यों निकलेगा? मोबाइल ही निकलेगा जब 2.5 लाख। चलो, आप कितने का लोगे ये? सर ये जो है ना, ये बहुत महंगे है, इलाके की हमारी दुकान है, इतना महंगा भाई ये ले। ये इलाके की दुकान है, इतने महंगा हम ले नहीं सकते ना, हमारे पास नहीं होते। हम कुछ छोटा मोबाइल हो, छोटे मोबाइल है हमारे पास, सारे ये बड़े मोबाइल। सर ये कहाँ से लाए, कहाँ से हैं? भाई अपने हैं, बिजनेसमैन हूँ। नहीं तो बिजनेसमैन तो आप हैं, तो ये डब्बे हैं क्या आपके पास? नहीं, डब्बे क्यों, मैं यूज करता हूँ अपने। बड़े ये मोबाइल बहुत महंगे मोबाइल है, ये हम नहीं ले सकते। आप कितने तक का लेते हैं? एक मिनट, कुछ छोटा मोबाइल हो बट भाई ये ले लो ना, ये भी नहीं लेना। सर सस्ते को तो आप छोड़ो, ये इतने मोबाइल आपके पास आए, ये कुछ चोरी के मोबाइल लग रहे हैं ये भाई। आप मेरा आईडी कार्ड लेना ना। आईडी कार्ड से फिर भी एक आम बंदे के पास इतने मोबाइल थोड़ी होते हैं। अच्छा भाई अभी क्या, कितने वाला लेना है आपने? कोई हल्का मोबाइल हो, 2.5-3 हज़ार रुपये वाला मोबाइल हो। सर ये 70-70 हज़ार रुपये वाले मोबाइल हैं, ये कोई आम मोबाइल नहीं है ये भैया। ना मोबाइल नहीं खरीदते हैं यार। यार अली भाई बात सुनो यार, एक मिनट यार भाई, ये आप ले गए हैं, ये कहाँ से लेके कहाँ से भाई? आपको क्या, आपको इतने मोबाइल तो हमारे पास नहीं, जितने आपकी जेब से निकल रहे हैं इतने मोबाइल तो हमारे पास भाई। अभी आपके पास जितने, आप चोर हो, जिसके पास ज्यादा होते हैं वो चोर। हमारे पास तो इनवॉइसें पड़ी हुई, इनके मेरे पास भी इनवॉइसें पड़ी, मेरे तो बिल दिखाएं, डब्बा दिखाएं, सारा कुछ है। आप बताओ तो सही, लेना है भाई से बात करें भाई, यार बड़े भाई से बात। भाई तो देखो भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई। ये मोबाइल बेचने हैं? इतने सारे नहीं, एक दो ले लो, ये ज्यादा है। कुछ सस्ता सा दो, हम इतने महंगे नहीं लेते। कौन सा चाहिए, कितने वाला चाहिए? सस्ता हो तकरीबन 1500-2000 रुपए बस। बस ये ले, ये ज्यादा ही हल्का, ये 300 रुपए का। यार आप कुछ खुदा का खौफ का, तुम कौन दुकानदार हो तुम्हें यार, तुम्हें को पसंद नहीं आ रहा मोबाइल? कितने का लोगे? 2000 रुपए का ले लूंगा ये वाला। 2000 रुपए का? हाँ। इसके साथ कुछ नहीं है, डब्बा डुब्बा चार्जर? डब्बे के बगैर हम नहीं लेते। डब्बे के बगैर नहीं लेते यार? ये भाई वो आगे भेज दो, हम नहीं परचेज करते। अली अली नहीं लियो, सेट नहीं ले यहाँ से आप भाई, आगे दुकान भाई कॉल भी आगे नहीं लेते हैं। मोबाइल मार्केट है, आगे चले जाएं, आप ये दिखा दें किसी और को, दिखा दें, हम नहीं खरीदते। भाई मोबाइल बेचना है, कौन सा आपके पास मोबाइल? आपको कौन सा चाहिए? जो आपने बेचना है वो दिखाओ।
क्या हुआ भाई, ये सारे बेचने हैं? और भी हैं, और भी हैं भाई। भाई क्या हुआ, ये सारे बेचने? हाँ, एक ही दफा में? हाँ नहीं, अलग अलग ले लो। कैसे दे रहे हो आप, क्या किलो है, क्या कैसे लगाया? जी जी भाई, अमरूद नहीं लेके आया हूँ मैं। ओ मेरे भाई, मेरे को पता है मोबाइल है, किलो के हिसाब से ही लूंगा। ओ भाई, 3-3 लाख रुपए का मोबाइल है इसमें। एक मिनट, इसके साथ आप ताश भी खेल सकते हैं। ये देखो, जबी तो कह रहा हूँ ये मैं किलो के हिसाब से लूंगा मेरे भाई। ओए भाई, तू क्या समझ रहा है, इधर देख, ये देख, फिर भी किलो के हिसाब से लूंगा ये सारे। भाई तेरे दिमाग में किलो वाला बट्टा बजेगा ना, तुझे अकल आ जाएगी। समझ आ रही है? बट्टा क्यों बजेगा, मोबाइल ही बजेगा। तो भाई ये देख लेना कितने कितने का लेना है। चल ये छोड़, बाकी बता, ये ले किलो के हिसाब से जो भी बनेगा। जी चल, 5 लाख रुपए किलो ले ले। भाई मैं ले लूंगा ये तुम्हारे से 300 रुपए किलो के हिसाब से। 300 रुपए किलो? जी, किलो का बट्टा मेरी मर्जी का होगा। बट्टे वाला दौर चला गया। तू वैसे लमसम बोल कितने कितने का? लमसम 300 रुपए किलो में ले लूंगा मैं आपसे। हाथ किधर रखा हुआ, इसको भी निकाल। ये हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ। इधर मेरा चोर कहीं के। हेलो, अच्छा ये भी रख दो ना। अच्छा लमसम में तो सौदा ही चल रहा है ना। चलो मेरा मोबाइल भी वापसी आ जाए। 3-3 हजार रुपए के सारे मोबाइल ले ले। 3-3 हजार में सभी बांधे चल रहे हैं। एक तुझे मैंने चलता दिखा दिया है, ये वाला। अच्छा चलो, मैं एक बात सुन लो मेरी। एक ये, हाँ एक ये, एक ये, हाँ ये तो चलो मैं ले लूंगा 5 हजार रुपए का। अच्छा 5 हजार रुपए का? हाँ अभी कैश। ओके सही है, ये इसके साथ फ्री आएगा। ओके, और बाकी ये जो है 200-200 रुपए के हिसाब से फी पीस ले लूंगा। भाई तू तो मेरे से बड़ा चोर लग रहा है, तूने ऐसे इधर उधर करके ये गायब कर लेना। ये देखो मेरी बात, अबे मेरी बात, अबे ठहर, ये किसका है? अबे चोरों को मोर पड़ गए, ठहर एक मिनट मेरी बात। ओ भाई मैंने तुझे बेचना ही नहीं। अच्छा एक सेकंड, ओ भाई साहब एक अच्छा सौदा मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, एक अच्छा सौदा। चलो भाई मैं कराची में आया हूँ यार, इसका मतलब ये आप लूट लो मुझे परदेसी समझ के, पुराने उतरे जैसी आपकी शक्ल है। बिल्कुल भी आपके साथ नजायज नहीं आपका होगा। मुंह पता कैसे, जैसे बंद LCD पे मूवी देख रहा होता बंदा। अच्छा अभी मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ये मैं तुझे वापसी पे देता हूँ तेरा मोबाइल। अभी मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। तेरी जिस तरह की बेटा तबीयत है ना, मोबाइलों की दुकान ना खोल, पुराने टायर बेचा कर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? आप क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ, मोबाइल बना रहा हूँ। और क्या करता हूँ? अच्छा ये आप मोबाइल खोल लेते हो आप? हाँ जी खोल लेता हूँ। इसको जरा सारा खोल के मुझे दिखाना कि ये क्या, इसमें क्या ऐसा है कि ये इतना महंगा है? क्या मतलब है? अरे इसको सारे कुछ खोल दो आप। क्यों? मैंने देखना है इसके अंदर क्या है। क्या मतलब देखने इसके अंदर है? क्या मतलब क्या, तू मस्त है? मैं तुझे आम बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ कि भाई इसको खोल दे, मैंने इसके अंदर देखना है कि है मसला। हर बच्चे की समझ में बात है, तू कह रहा है क्या मतलब इस बात का? नहीं तो इसमें मसला क्या, मसला भाई मेरे मसला यहाँ पे दिमाग में। भाई मैं फैसलाबाद से आया हूँ, मेरा दिमाग इधर आके खराब हो गया। मैंने देखना है इसके अंदर क्या है। जो सामान मोबाइल के अंदर होता है वही सामान है। मैंने देखा ही नहीं है मुझे। नहीं तो आप मुझे मसला बताया ना, क्या मसला? मैं खोल के चेक करता हूँ भाई। मेरा ये मसला यहाँ है। तो यहाँ है तो ये खुलवाओ ना, मोबाइल क्यों खुलवा रहे हो? नहीं यहाँ मसला है इसके अंदर, इसकी लिंक है ये। अच्छा। आप खोलोगे, मैं इसके अंदर देखूंगा कि ये इतना महंगा क्यों है। तो मुझे स्कूल हो जाएगा। खोलो ये लो। अगर ये खोलते हुए खराब हो गया फिर तू उसके पैसे देगा? क्यों, मैं क्यों दूंगा? क्योंकि तू खोलेगा। आप मुझे मसला बताया ना कि खराबी है तो मैं बनाता हूँ, अगर फिर खराब होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। तू पहले इसको खोलेगा, ये खोलते तेरे से लाजमी खराब हो जाएगा, फिर तू ठीक कर देना। क्यों ठीक? अगर आप मुझे मसला बताया ना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो मैं खोल के माइक चेक करता हूँ। हाँ भी अगर आपकी आवाज़ आ नहीं रही तो मैं स्पीकर चेक करता हूँ, आपका डैश नहीं काम कर रहा तो मैं पैनल चेक करता हूँ। ऐसे कैसे खोल दे जब कोई मसला ही नहीं है? भाई तुझे इसका मालिक कह रहा है खोल दे, तू खोल दे। अगर ये खोलते हुए खराब हो गया फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर तू पैसे देगा? इतना क्यों देगा, इतना महंगा मोबाइल है, इतनी तो मेरी दुकान नहीं है पूरी, इतना महंगा मोबाइल है। चल खोल इसको, अगर कुछ भी हो गया मैं जिम्मेदार हूँ। खोल, मेरी कोई जवाबदारी नहीं। तेरे कोई जवाबदारी नहीं, ये ले। चलो ठीक खोल, ये ले, ये पहले ये काट दे। काट दे
मैं कह रहा हूँ काट दे मेरा मोबाइल, थोड़ी खुलेगा भाई मेरा मोबाइल है। मैं कह रहा हूँ तू इसको ऊपर से ये उतारना नहीं है, ये काट दे बस ये ले। तो आप खुद काट दो अपने हाथ से। मेरे मैंने मैं काम मैं नहीं काट सकता पकड़। ये थोड़ी ऐसे कर। क्यों मैं ये क्यों होता है बुरश? ये हम ये दांत साफ करने वाला नहीं, ऐसे मोबाइल वाला। तू मस्त है, पूरी दुनिया में किसी को दिखाने बोलेगा ये दांत साफ करने वाला है, तू कह रहा है ये दांत साफ करने वाला नहीं है। पर हम इससे मोबाइल साफ कर रहे हैं। तो वो तू पागल है ना फिर? भाई मेरे ने बनाया दांत साफ करने के लिए, तू मोबाइल साफ कर रहा है। नहीं तो मुँह खोल चल। क्यों तू अड़ के चल रहा है? आपको पता ही क्या है ये? ये तेल है, मशीन तेल। हाँ ये पेट्रोल है। तो अच्छा है ना सुबह? क्यों सही है, ठीक है ना? आप पागल दो घंटे। हाँ अब तू समझा है। मैं हूँ पागल। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, अपना दिमाग खुलवाओ, उससे इलाज करवाओ, उसमें खोल के देखो मसला है क्या दिमाग में। अच्छा मुझे आप मुझे पागल कर रहे। अच्छा ये कितने कैमरे हैं? तीन। ये एक निकाल के ना पकड़, एक मिनट, एक निकाल के ना मेरे छोटे मोबाइल में लगा दे। ऐसे थोड़ी होता। तो फिर तुम मिस्त्री किस चीज का है, किस चीज का कारीगर है तू? ये इसमें से कैमरा निकाल के मैं कैसे डालूं? उन्होंने लगाया कैसे है ये तो उनको पता होगा उन्होंने कैसे लगाया। तो रिपेयरिंग क्या कर रहा है फिर? ये खराब है तो मैं बना सकता हूँ। ये खराब है सही है, तो इसको निकाल के मेरा छोटा मोबाइल है 1500 वाला उसमें लगा। उसमें नहीं लग सकता, उसका रिजल्ट नहीं अच्छा। मैं चाहता हूँ इसमें से एक उसको लगा दे। नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। ओए यार ये क्या कर रहा है इसको? मैं इसको सही कर रहा हूँ, इसमें खराबी है। क्या ये ऑन नहीं हो रहा मोबाइल? पानी में गिरा, शॉर्ट हो रहा है। ये बैटरी भी ज्यादा पड़े पड़े। हाँ तो पानी में गिरा है सारा कुछ, तो तू ठीक कर लेगा इसको? हाँ मैं कर लूंगा ठीक। इसमें फॉल्ट है तो मैं बनाऊंगा ना, ठीक करूंगा। जब इसमें कोई फॉल्ट नहीं है तो मैं इसको क्या खोलूं? इसमें क्या फॉल्ट है? क्या फॉल्ट है ये ना? इसको ऑफ, ये इसको ऑफ वाला बटन दबाई रखे ना तो ये अच्छा। बंद हो जाता है। यार तू यार आप ऑफ का बटन दबाओगे तो बंद ही होगा ना ये, जब बंद हो जाएगा दोबारा दबा के रखोगे ऑन हो जाएगा। ये इसमें फॉल्ट है। ये कौन सा फॉल्ट है? ये देखें, ये मेरा मोबाइल है, ये देखें इसमें भी ये पावर बटन लगा हुआ है। एक मिनट छोड़ यार, ये आप क्या कर रहे हो? मैं मैकेनिक हूँ, आप मैकेनिक हो? यार आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप जाएं डॉक्टर से अपना इलाज। अच्छा मैं तेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? तो मैं काम कर रहा हूँ। तू तो अब दिल का ऑपरेशन कर रहा था, तो इमरजेंसी वार्ड में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सज्जाद जानी और मैं आज एक बार फिर शहर कराची कायद के शहर में और यहाँ पे ये शुगर मेला कर रहे हैं। आपने देखा अभी मोबाइल में बेचने गया था कितने सारे, तो उसके बाद ये मैंने कहा स्टार्ट वहाँ से करते हैं, फिर ओपनिंग करेंगे यहाँ पे सब भाइयों के साथ। नाज़रीन मैं कराची में बैठा हुआ हूँ महमूदाबाद, और भाई ये गली नंबर कितनी है, क्या इसका? गली नंबर दो। ये साथ में हकीम भी मैंने रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि कटिंग हकीमों जैसी है, जिन्होंने स्लो पंखा नहीं फुल गर्मियों में भी स्लो चलाया होता, मरीज इनकी दुकान में बैठा बैठा बीमार हो जाता गर्मी से, उस तरह के हकीम है ये। यहाँ पे आप शो करेंगे ये सर आपका नाम? फैसल अब्बासी। तो मैं हूँ फैसल अब्बासी है? फैसल अब्बासी। अच्छा फैसल अब्बास वो वाली? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये मेरा भाई है, ये बहावलपुर से आया, नाम क्या है? कामरान भाई है, बहावलपुर से आए हैं। अच्छा भाई आप जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं आपसे एक सवाल करूंगा इमरान भाई, बात बताएं जवाब दें। जी, एक सवाल का बिल्कुल देंगे। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया जी बोले, मैं आपको फिर एक और सवाल करूंगा। तो पहले आप बता देना, यानी फिर आप दो पहले बता दूं? पहले बता दें भाई, ये बताएं कौन सी ऐसी जगह है जहां पे एक वक्त तक सूरज की धूप पड़ती थी, फिर एक वाक्या हुआ ऐसा कुदरती कि उस जगह पे सूरज ने अपनी धूप, उसकी धूप नहीं जाती उस जगह पे, वो कौन सा मुकाम है? हार गए? हार गए। गुजर बादशाह? हाँ जी। हार गए भाई आप? क्या सवाल तो पूछा आपने, उधर कहीं अट्टी सट्टी लगाई हुई? आप बैठे इधर मेरे साथ हैं, एक बार सुन लो भाई, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पे एक वक्त तक सूरज की धूप पड़ती थी, साइकिल खड़ा है उधर आपका, मोटरसाइकिल खड़ा है भाई, मेरी गारंटी कहीं कोई नहीं लेके जाता आपकी मोटरसाइकिल, जो बंदा लेके जाएगा पहले उस मॉडल का मगराट ढूंढेगा, फिर टैंकी ढूंढेगा, फिर उसकी ट्यूनिंग करवाएगा, फिर उसका इंजन ठीक करवाएगा,
उसने अपना अमान सुबह आपके दरवाजे पे खड़ी कर जानी है। जब मिस्त्री ने एस्टीमेट बताना है ना कि भाई इस पे 34,000 रुपये लगेगा, है? मैंने कहा ना भेज दो। भाई आप सवाल सुन लें, वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे एक वक्त तक सूरज की धूप पड़ती रही है, फिर एक वाकया ऐसा हुआ कि सूरज की धूप वहाँ पे नहीं पड़ती, वो कौन सा ऐसा मुकाम है? हार गए, जल्दी जल्दी। नहीं पता भाई, वो है हमारा घर। वो जब प्लाट था ना उस पे धूप पड़ती थी, फिर जब हमने बना लिया अब उस पे धूप नहीं पड़ती। इतना आसान सवाल नहीं बता सके। अच्छा बता, वो कौन सा परिंदा है जिसके पर भी होते हैं, पर भी होते हैं लेकिन वो उड़ता नहीं है? कुदरत, कुदरत ने मतलब वो है परिंदा लेकिन उड़ नहीं सकता। मुर्गी उड़ती है थोड़ी बहुत, आप उसको छत से फेंक दो वो नीचे आ जाएगी उड़ के। बत्तख। सवाल यार तेरा इधर वाला कान बंद है, है? भाई वो कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता, उसके पर भी होते हैं, सब कुछ होता है, नाम भी उसका परिंदों में, शुमार भी परिंदों में होता है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, कौन सा है? उड़ते तो सारे गोए की सुन के उसकी मत बजी हुई है। गुजर की गुजर नहीं पता, नहीं पता भाई, आप बताएं सर। अकल का परिंदा? नहीं नहीं, जेन्युइन परिंदा है असल, कोई मिसाली या कहानियों वाला नहीं, जेन्युइन। हार गए भाई। मोर। वंस मोर मोर। शुतुरमुर्ग। अच्छा अच्छा, नाम होता है शुतुरमुर्ग, पंजाबी में जूती को कहते हैं छितर, वो कह रहे हैं छितरमुर्ग। ओ यार भाई कहते छितरमुर्ग। भाई हार गए, इधर आओ भाई। कौन सा? मरा हुआ परिंदा। हाँ यस, जो मर जाता है भाई। अच्छा जी, दो सवाल गलत हो गए, और कुछ? और कुछ ना, आप पूछे। भाई किसने जनरल सेक्रेटरी बनाया आपको? ये पार्टी ने बनाया। पार्टी ने बनाया, क्या देखा उन्होंने आप में? मेरा वर्क देखा है, मेरी दुआ। नहीं नहीं, उनको तरस आया तुम। उन्होंने कहा यार ये बंदा चलो यार कुछ नहीं होता, खैर। हाँ जी। अच्छा कसम से, इस तरह के बंदे होते हैं, बंदा गरीब घर का होता है ना, 10-12 बच्चे होते हैं, फिर इस तरह का एक साईं पैदा होता है, अमीर हो जाते हैं। सारी जिंदगी लोगों को कहते हैं ये बंदा पैदा हुआ है तो हमारे अल्लाह ने किस्मत बदल दी। अक्सर घरों में होता है ना मस्त एक, वो कहते हैं, उसके माँ बाप कहते हैं नाना इसको कुछ ना कहना, ये सारी जितना भी अल्लाह ने दिया ना ये इसकी किस्मत को दिया है। और इस तरह का बंदा सिर्फ उंगली को अबू के साथ चले जाता, दे दो मेरे बेटे को जो भी मांगता दे दो। आप वो इमरान के भाई हैं जी, ये कजन है? कजन हूँ। आपका नाम क्या है? शकील अहमद। शकील अहमद, तो आप दोनों की सिंगल पसली क्यों है, क्या बस? ये आपका कजन है, ये क्यों है? सेहत इसकी देखो आप भाई, ये खाता पीता ज्यादा होगा। तो आप क्यों नहीं खाते पीते? हम खाते हैं जितनी हमारी सेहत है उस हिसाब से खाते हैं। आप मेरा ख्याल आप पल्ले से खाते हैं अपने। आप कहाँ कहाँ से खाते हो? जहाँ से मिल जाए खाना पीना, जहाँ देखा इसकी सेहत का राज़ी है, जहाँ से मिल जाए। अक्सर देखा होगा आपने कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनसे दुकानदार जो है ना वो मुंह में कहते सामने नहीं कहते, जैसे होता ना अक्सर हमारे को बंदा अच्छा ना लगता हो ना तो वो आ जाए ना एकदम आपके सामने, तो आप क्या देख के कहते हैं बड़ा आओ जी जनाब बिस्मिल्लाह क्या हाल चाल है, पहले आपका ये मुंह बनता है ना, इस तरह का बंदा वो पराठे लगा रहा हो ना तो इसको देख के ओ आ गया। अच्छा मैं आपको जैनवन नादरीन बात बताऊं, सेहत जो होती है ना ये राज, सेहत का राज होता है कि जब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खाते पीते हो, टेंशनें जो होती ना अब ये देखें, ये टेंशन इस बंदे को यही टेंशन है कि ये मेरा कजन है, वो इसी टेंशन में माड़ा हो गया बेचारा है। अच्छा ये कितने दिन? ये असल में ये हमारे साथ ही खाते और ये हमारा भी खा जाता है। अच्छा देखना इसकी आवाज सुनना जरा। हाँ जी दसो। नहीं वो मैं कहा था ना इस तरह के इतने बड़े होते हैं आवाज इस तरह की होती है। ये मजे की बात पता क्या है, माइंड नहीं कर रहा हंसता है, मजा लेता और सब हंसते हैं, है ना, ये बड़े दिल की निशानी होती है, क्लैप भाई के लिए करनी चाहिए। इस तरह के बंदे मूवी देख रहे हो ना तो कत्ल होने लगे ना तो उठ के बाहर चले जाते हैं।
सही बात है। ये ना पता कि मासूम दिल के होते हैं, इनके ऊपर मास बोटी बहुत होता है लेकिन मासूमियत बहुत होती है इन बच्चों की। मतलब 2-3 रुपए वाली चीज पे 8-8 दिन बुलाते नहीं अबू को, तो मैंने मुझे लेके नहीं दी है ना। मैं था राजपूत हाँ। राणा जी जी जी। अच्छा राजे राजे राजपूत पिंडी थे। मतलब आप है फलाना 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 प्लस करके प्लस माइनस इक्वल टू इजिकल टू राजे कहलाने राजे जी। यानी एंड पे हमें जवाब ये आया कि राजे। बिल्कुल ओके ठीक है सर। कुछ खाना भी ना आपने? नहीं सर मैं खुद मेरा रेस्टोरेंट पिज़्ज़े का आप चलें। पिज़्ज़े का रेस्टोरेंट आपका? जी जी बिल्कुल। ओहो चलिए हैं चलो चलो आपने इसमें बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है तो बिल्कुल थोड़ी सी तूड़ी छिड़कनी है। सही है दाना चौकर सही है सही है। खाल 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 बंडा पट्टे उसके ऊपर एक पिज़्ज़ा और मूदा मार देना आप फिर यहाँ से पका बना के फिर आपे खा लेना। मासूम बच्चा है, मासूम बच्चा है घर में, कद ज्यादा हो गया है, तबीयत बच्चों वाली है। अभी भी घर वालों को कहता है मैंने 3 पहियों वाली साइकिल ही लेनी मुझे। लो जी नाज़रीन वक्त वक्त का ब्रेक एक शॉट का हुआ है, मिलते हैं एक शॉट के बाद के ब्रेक के बाद। लो जी प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भाई आपका नाम? इमरान। इमरान आपका भाई? मेरा उमेर। मेरी गुजर। आप भी गुजर है? अच्छा ये कुर्सी गुजरों की है बस। जी जी इस पे जो बैठता है गुजर हो जाता है या पहले जो गुजर होता है? बन के गुजर इधर आता है बेफिक्र। अच्छा ये कुर्सी के पीछे लिख दे गुजर कुर्सी। इमरान भाई से गाना सुने जी, उसके बाद फिर हम आपस में हमारा मुकाबला है। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सॉन्ग में दो लोगों पे डेडिकेट करना चाहता हूँ। ठीक है। एक तो आप और दूसरी एन 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 जी आप दोनों पे, आप पे और एन पे। अच्छा एन यानी जानी एन, एन कोई नाई आपका है? एन फोर परी। एन फोर परी एन फोर परी नहीं होता, एन फोर नेरी होता है। अच्छा कोई मंगनी शंगनी भी हुई है? नहीं नहीं कभी कुछ भी नहीं हुआ अभी, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। वो मतलब चली गई छोड़ के, सरगोधा चली गई। ओ भाई पहले बताते होते, मुझे ऐसे लगा पता नहीं कैधर चली गई छोड़। कितना रोने वाला मुंह बना कर रहा है वो चली गई छोड़। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। मोहब्बत हर बंदे को होती है जी जी। ठीक है कुछ बंदे मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर उदास रह रह के दाढ़ी शेप बढ़ा लेते नहीं, हैं। नहीं चुप चुप रहना शुरू कर देते हैं। और मोहब्बत ऐसी चीज है ये अगर बचपन में भी हो जाए तो आप 70 साल के भी हो जाए उसका असर आपके चेहरे पे रहता है। मोहब्बत हुई कभी? बिल्कुल हुई। अच्छा जो मोहब्बत जिससे हुई थी वो उससे शादी भी हुई या नहीं? बिल्कुल शादी की। उसी से हो गई? बिल्कुल। फिर कोई फायदा नहीं मोहब्बत का? क्यों क्यों यही तो यही तो मोहब्बत होती है। नहीं मोहब्बत होती है जो ना मिले, ये देखो ये मोहब्बत, वो मोहब्बत नहीं होती, ये ख्वारी है। मोहब्बत की फील ही जुदाई में आती। वो चली गई क्या करना है, वो कहाँ सरगोधा बैठी हुई है, है? अभी बताया सरगोधा। अच्छा तो आप वाली जो है हमारी चाची वो घर में है, यानी आप काबज हुए उनपे? बिल्कुल काबज हुए, मतलब काबज ही हो गए ना आप, आपकी प्रॉपर्टी हो गई वो, बिल्कुल बच्चे हो गए बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। तो अभी भी वैसी मोहब्बत ही है? बिल्कुल वैसी मोहब्बत है।
हिम्मत है भी आप दूसरी शादी की थी क्यों मरवाना जे कैसा उर्दू उर्दू कैसी पढ़े यार भाई ऐसा तो एकदम मैं क्या दूसरी शादी ओ क्यों मरवाना जे राबता है आपका राबता मैं खुद नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैंने राबता करने की कोशिश करी तो मेरे मतलब राबते की वजह से उस पर कहीं आँच ना आ जाए इसलिए मैं राबता नहीं कर रहा ये तो सच्ची आशा अंकल जी आप सही कह रहे हैं खुवारी है सही बात सही बात बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो सबने कहा पारो को छोड़ दो पारो ने कहा शराब छोड़ दो आज तुमने कह दिया कि महमूदाबाद छोड़ दो यार अभी शायरी करते भाई शेर आता कोई कोशिश करता हूं बिस्मिल्लाह जी मैं आगाज करता हूं आगाज ए शेर ए मोहब्बत ए तलिस्मो ताना में मैं आपको अर्ज करता हूं अर्ज किया है जुस्तजुए यारे पैबंदे बाल्टियो कलमो दवातो ये क्या था मुश्किल जा सवाल लग तुम्हें फैज अहमद फैज नहीं याद आया फैज साहब तो याद है मुझे लेकिन ये इतनी बाल्टी वाला चक्कर नहीं याद आया इमरान अब माइक देता हूँ मैं दावते कलाम ना ही करें हमसे तो अच्छा है ता उमर गुलाम रहेंगे साहब ता उमर गुलाम रहेंगे साहब कोई है जो मिला दे उनसे वाह ओए वाह ओए वाह ओ यार वाह यार वाह यार वाह वो ले जी अब मैं दावा देता हूं अपना मंसूर बगदादी साहब को ये अपने हमें ताजा कलाम से रोशनाए हम सफरे इक्तलामे आंसर करेंगे जमीर ना दे सकी शिकस्त मेरे मयार को अच्छा मैं तेरा मुलाजम नहीं ये आप पकड़े चलो कोई नहीं अच्छा अच्छा कैसी बात है इधर मुंह किया हुआ है तो मैंने ऐसे माइक किया तो वहीं पे जमीर ना कर सकी भाई उधर लिखा हुआ है कहीं पे भाई तबीयत तो शायरों वाली कर बंदा कहता है भाई बात सुन बंदा कहता है जी शुक्रिया आपने मुझे ये कहा मैं एक नज़म सुनाता हूँ परसों रात ही मैंने लिखी है तो अर्ज करता हूँ उसका मतलब ये तरीका होता है ऐसे बैठा हुआ मैंने ऐसे माइक कर दिया जमीर सो गया मेरा तो मैंने या जमीर सो गया मेरा क्या था हाँ चलो नहीं भाई जरा शायरों वाली तबीयत चलो बहुत मेहरबानी जानी भाई आपने मुझे ये एहसास बख्शा आप हैं ही इस काबल नहीं थे फिर भी आपने मुझे बख्शा फिर भी मैं देखे आप मेरे भाई तो है ही नहीं और आपसे जितनी मैं मोहब्बत करता हूँ वो झूठ है देखे ये आप मेरे मेरे दिल के अंदर आप बसते होते तो मैं खुदकुशी कर लेता आप जानते नहीं आपसे कितनी मोहब्बत काश मुझे होती अब आप अपने अशार से हमें दोसी जलील ही ना करते हैं कि की अशार की यार चलो भाई सुना 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 अच्छा हर दफा मुझे लगता है अंकल मेरे कान पे काठी करेंगे आगे आगे दावत देते हैं मंसूर बगदादी साहब जमीर ना दे सकी शिकस्त मेरे मयार को जमीर ना दे दे सकी जमीर ना दे सके जमीर ना दे सका शिकस्त मेरे मयार को जमीर ना दे सकी जमीर को फीमेल कर दिया जमीर ना दे सका शकी जमीर ना दे सका उधार मुझको जमीर ना दे सका शकिस्त मेरे जनाब को और बहन क्या जाना जमीर ना दे सका किस्त किस्त मेरे उस्ताद को अच्छा भाई मेरी बात सुन मैं एक लाइन कहनी है जैसे लाइन नहीं होती कोई मुहावरा बोलते हैं कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा इस तरह मैंने पहली लाइन बोली तूने फौरन दूसरी लाइन बोलनी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद जानी भाई पहुंचा हूं मैं अच्छा अभी मैं दूसरी लाइन बोलूंगा तूने पहली बोलनी है ठीक है ठीक है आंगन टेढ़ा आ गया
अभी थोड़ी देर पहले तो बताया है नाज ना जाने, अच्छा अगर अल्लाह मियां ने ऐसा बनाया होता जिस्म के चूड़ियां लगी हुई हर चीज को आप खोलो तो हर बंदे ने अपनी चीजें भूल जाया करनी थी, है ना। मेरी अम्मी अक्सर कहती हैं अगर तेरे पुर्जे होते ना तो आधे पुर्जे तूने घुमा दिए होते। अच्छा सोच अगर ऐसा होता तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा तेरा बैठा होता अभी? इधर मैंने हाथ ही लगाया हुआ ऊपर, है ना। अच्छा लो जी नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और बहुत मजा आया। यहाँ पे हूँ मैं महमूदाबाद 6 नंबर। भाई आप खत्म करो, हाँ चलो जरा पूरे पूरे ऐसे। अच्छा जी बहुत मेहरबानी आप। कभी वो आपने बात सुनी है बता यार जानी भाई? यार कभी बहुत नहीं यहाँ पे क्योंकि अक्सर मुझे कंफ्यूजन रहती है ना कि पता नहीं एक बात पंजाब में चलती है जैसे हम कहते हैं यार मैं फुल पार से जा रहा हूँ, ये चलती है यहाँ पे बात? बिल्कुल नहीं, यहाँ फुल भरम वाला चक्कर है। क्या बोला? फुल भरम में जाने का काम, फुल भरम में जाने का काम। अच्छा पंजाबी में कहते हैं कि मैं फुल भार से जा रहा हूँ यानी फुल वजन से, ठीक है ना। तो इसलिए एक बंदा ना मोढ़े पे पत्थर रख के लेके जा रहा है, मैं क्या किधर? कहना बाबा जी फुल भार से जा रहा हूँ। अच्छा जी बहुत मेहरबानी आप लोगों की कि आप लोगों ने हमें सुना और जानी भाई को भी बर्दाश्त किया। yes. जानी भाई के लिए मैं माजरत करता हूँ कि किसी की कैसा दिल आजारी हुई तो कैसा जानी भाई का पिछले समोसे वर्गा मुंह है। माइंड ना करो यार, देख ले यार जानी भाई ने इतनी की, मैंने सिर्फ 2 किए हैं भाई, ये भाई है मेरे टायर वाला रक्षा और हम बहुत खुश हुए हैं जानी भाई के इधर आने से। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था जानी भाई हमारे पास कराची में होगा, हम देख के खुश होते थे। आज जानी भाई ने हमारा दिल जीत लिया है आगे। मैं फिर आऊंगा, फिर आया करूंगा। हाँ हम ना महीने में एक दो शो इधर किया करेंगे। भाई जान बिल्कुल, आप महीने में क्या, अब मैं कहता हूँ जितना बड़ा आपका मुंह है मुझे 3-4 साल लग जाने। पूरे मुंह को इंट्रोड्यूस कराते 2 साल लग जाने मुझे। अंकल जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आपकी मोहब्बत ता कयामत आपके साथ रखे, ठीक है। और आप अच्छे हैं कि वरना अक्सर मैंने देखा है लोगों की मोहब्बतें किसी की सरगोधे में है, किसी की फैसलाबाद है, किसी की शेखुपुरा में है, किसी की सादकाबाद है, ऐसे बिखरी होती है मोहब्बतें। अल्लाह सबको जो अच्छा, जिसके लिए जो अच्छा है अल्लाह पाक वो उसके लिए करे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। मरा हुआ डड्डू होता है इधर।